यस, क्या आप लोग चाहते हैं कड़वी बात सुनना? नहीं चाहते हैं? सुनना चाहते तो जल्दी से बाई बाई दीजिए चैट में। एक दो ने बस थम्स अप किया है, बाई बाई जल्दी से आए आने दी। थोड़ा सा बाई आएगा तब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कड़वी बात भी और वो भी बिना वाई के, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज सबको ही महिलाएं माताएं व्रत की होंगी, है ना? देखिए आप समझिए, पत्नियों को पति का आज्ञा पालन करना ये बहुत 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 अच्छी बात है, परंतु पति भी उस प्रकार के होने चाहिए, है ना? आजकल सब जगह मिलावट, गिरावट सब जगह चल रहा है ना? वैल्यूज में, संस्कारों में गिरावट और शुद्धता में मिलावट, सब जगह चल रहा है। तो इस मिलावट और गिरावट के साथ तो नहीं, परंतु शुद्ध अवस्था में पत्नियों को पति का आज्ञा पालन करना बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर हृदय ये हो जाए कि पति परमेश्वर है, बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं ना, मेरे पति परमेश्वर है, बोलते हैं ना। देखिए परमेश्वर परमेश्वर ही रहेंगे, आप किसी से भी किसी को भी परमेश्वर तो नहीं बना सकते। समझिए क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं परम ईश्वर। परम ईश्वर कौन है, कौन है? इस प्रकार से कभी भी पति को मान दीजिए। देखिए ये कुछ उसी प्रकार से है, अगर पुत्र को बोल दीजिए आप पिता से भी बढ़ गए हैं, आप अपने पिता से भी बढ़ गए हैं। बहुत जगह ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, तुम तो पिता से भी बढ़ गए हैं। परंतु अगर पुत्र सही है और वो इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता, अगर पुत्र सही है तो इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता कि मैं पिता से बढ़ गया। अगर कोई इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है कि वो पिता से बढ़ गया है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मूर्ख है जो अपने आप को पिता से ज्यादा समझना चाहता है। हमें उस प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो पत्नियों को भी, पति को हमेशा उनको उचित सम्मान दीजिए, बिल्कुल दीजिए, देना भी चाहिए। अब मैं तो बोल रहा हूं आज्ञा पालन भी करना चाहिए शुद्ध अवस्था में, अगर कुछ गलत रास्ते ले जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर। परंतु शुद्ध अवस्था में पति का आज्ञा पालन भी करना चाहिए, है ना? बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भगवान के बराबर कभी भी ना बनाइए। भगवान के बराबर कभी भी मत बनाइए, कोई भी भगवान नहीं है, भगवान भगवान है। इनफैक्ट आपने आज व्रत किया होगा, आपने आज सुंदर कपड़े पहने होंगे, आपने सब कुछ किया होगा, अगर पूछा जाए किसके लिए किया, अगर पूछा जाए किसके लिए किया, तो आपका जवाब होना चाहिए किसके लिए। कृष्णा ने बोला उस लिए, पति के लिए, या पहले कृष्णा के लिए और उसके बाद पति के लिए? कभी भी हम भगवान से स्वतंत्र किसी को भी नहीं देख सकते। एक बात बताइए, अभी आज पत्नियां पति के लिए व्रत का पालन किए, है ना? बहुत अच्छा, पटाखे भी बज रहे हैं, बहुत सारे पटाखे बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। तो पत्नियां पति के लिए व्रत का पालन की, एक बात बताइए, सच सच बात बताइए, कोई कोई झूठ नहीं बोलने का, कोई इधर उधर की बात नहीं करने की। आज के दिन पति पत्नियां कामना करती हैं कि पति की लंबी उम्र हो, सही बात है, सही बात है।
एक बात बताइए, भगवान की कृपा के बिना पति की लंबी उम्र हो सकती है क्या? हाँ या ना? भगवान की कृपा के बिना पति की लंबी उम्र हो सकती है? हाँ, कि भगवान की कृपा के बिना तो नहीं हो सकती ना, भगवान की कृपा तो चाहिए चाहिए। यस, भगवान की कृपा के बिना हो सकती है? हाँ? भगवान की कृपा के बिना हो सकती है। तो जब भी आप पत्नियों पति पत्नी 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 पति की कोई भी हित चाहते हैं तो पहले भगवान के बारे में जानिए, तब जाकर के पति का हित होगा, नहीं तो पति का कोई हित नहीं होगा। अगर आप सच में हितैषी हैं तो पहले भगवान की पूजा कीजिए। गलती से भी पहले आज तो सबसे पहले पति? ना भाई, बिल्कुल नहीं। हमारी हर सांस में पहले भगवान है, उसके बाद कोई भी। और ये सबके हित के लिए है, ये बोलने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली है, ये व्यवहारिक बात है। जिनको आडंबर में मुक्तता में रहना है वो रह सकते हैं, परंतु कृष्णा से स्वतंत्र जब पति पत्नी को जाने, पत्नी पति को जाने, तो ये शुद्ध अवस्था नहीं हो सकती। जहां पे कृष्णा नहीं वहां पे शुद्धता हो ही नहीं सकती। है ना, अक्सर इस प्रकार का सोच आ जाता है कि ये तो भक्त बन गया जी, भक्त बन गया, अब तो ये सब छोड़ छाड़ देगा, अब तो ये भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, घर बार छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा। देखिए, इस बात को समझिए, शुद्ध अवस्था में हम छोड़ते नहीं है, शुद्ध अवस्था में हम ग्रहण करते हैं। शुद्ध अवस्था में हम छोड़ते नहीं है, शुद्ध अवस्था में हम प्रेम वितरित करते हैं। धनी कौन है जो प्रेम सब जगह वितरित कर रहा हो? कि जो सबसे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चाहता हो, कौन धनी है? गरीब कौन है जो सबसे भीख मांगता हो? या सबको धन विस्तृत करता हो, वितरित करता हो? है, कृपया करके जब हम कृष्णा की भक्ति में लगे तो इस बात को समझिए कि हम कोई गरीब नहीं बनते, हम सबसे अमीर बनते हैं, हम घर परिवार नहीं छोड़ते हैं, हम उन्हें सही रास्ते लेकर के आते हैं। और हर स्थिति में उनकी जागृति बढ़ाते हैं। आप सोच के देखिए, आप किन्हीं को जानते हो जो घर परिवार छोड़ भी दिए हैं? अगर किन्हीं को जानते हैं जिसके लिए भी, जिसको भी छोड़ दिए, देखिए जब तक शुद्ध अवस्था नहीं हो छोड़ना भी गलत है। भरत महाराज वाला पास टाइम हमको नहीं करना है, गलत बात। उन्होंने एग्जिबिट करके बताया, शुद्ध भक्त है, उन्होंने एग्जिबिट करके बताया कि क्या हमें नहीं करना। शुद्ध अवस्था में हम इस प्रकार का छोड़ छाड़ नहीं कर सकते। जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे, लोग भटकाव की अवस्था में अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। देखिए, आप लिख लीजिए, जिसको जहां पे लिखना है लिख लीजिए, मन मुताबिक जो भी कार्य करेगा, इच्छा अनुरूप जो भी कार्य करेगा वो असफल होगा ही होगा, होगा ही होगा। सब जगह सफल हो जाए, भगवत धाम के पास तो असफल हो जाएगा, असफल होगा ही होगा। आप अपने मन अनुसार नहीं कर सकते।
तो स्थिति कैसी होती है? पता नहीं कितने सारे पटाखे चल रहे हैं, सब आज ही सब कुछ है। तो आजकल दिवाली भी, दिवाली में भी लोग पटाखे नहीं चलाने देते हैं, बहाने लगा देते हैं, तो हो सकता है उसी लिए चला गया। परंतु कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा हो गया तो कोई बात, बहुत ही जगत है। तो आई डोंट थिंक आप लोगों के पास इतना कुछ हो रहा होगा, है ना? आप लोगों के पास इतना नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। जिनके पास हो रहा है बता दे, थोड़ा मेरे को भी ज्ञान दे कि वहां पे भी पटाखे चल रहे हैं बहुत सारे। ओके हो रहा है, ओके हाँ वेरी गुड। सो स्थिति कैसी है कि कोई त्याग नहीं सकता जब तक उसकी शुद्ध अवस्था नहीं हो गई। और शुद्ध अवस्था हो गई है तो त्याग रहा है। तो आप बताइए, सपोज कीजिए उसने अपना घर परिवार त्याग दिया, शुद्ध अवस्था हो गई है, एकदम शुद्ध हो गया। अब उसने जब त्याग दिया और उसकी कुछ ना कुछ तो वार्तालाप होती होगी परिवार में सबसे, कुछ ना कुछ वार्तालाप तो होती होगी। और ऐसे कड़वे से तो त्याग करके आते नहीं है, वो बताते मेरा लक्ष्य तो कुछ और है, हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, चल देते। जब इस प्रकार से चल भी दे, एक बात बताइए, माता पिता की भगवान के प्रति जागृति बढ़ेगी कि कम होगी इससे? माता पिता की परिवार की जागृति बढ़ेगी कि कम होगी? भगवान के प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे कि कम जागरूक रहेंगे अगर छोड़ दिया तो? बढ़ेगी बी लिख दीजिए, कम होगी के लिख दीजिए, इंक्रीज के लिए आई लिख दीजिए, डिक्रीज के लिए डी लिख दीजिए। हाँ, भगवान के प्रति जागृति बढ़ेगी कि कम होगी? हरे कृष्णा, आई नो आई नो। हाँ वेरी गुड, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, मुझे लग रहा था आप लोगों के आंसर कुछ इसी प्रकार एकदम गलत जवाब है। देखिए आप समझिए, इस भौतिक जगत में हम सबको ही स्वामी बनने आए हैं। माता पिता भी पुत्र के स्वामी बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मेरे पुत्र के साथ जो भी हित हो रहा है उसका कारण मैं हूं। ये स्वामी बनना नहीं है क्या? अब कोई भी आपके स्वामित्व को छोड़ करके किसी और को स्वामी बताएगा तो आपकी जागृति कम होगी कि ज्यादा होगी कि आप स्वामी नहीं है वो स्वामी है? चाहे ना चाहे हर पल ये बात सोचने पे विवश हो जाएंगे कि मैं स्वामी नहीं हूं। वो हर पल दिमाग में यही बात आएगी, स्वामी तो कोई और है। हम तो हमेशा बोलते थे कि लड़का मेरा है, बेटा मेरा है, मेरे कारण सब कुछ हुआ है, पर ये तो छोड़ करके भगवान के पास चला गया। दिखने में भले लग सकता है कि वो बोले कि देखो भगवान के कारण तुमने हमको छोड़ दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, भौतिक जगत वाले उस प्रकार से सोच सकते। परंतु इस स्थिति में भी भगवान के लिए जागृति ज्यादा होगी तो परिवार में अपने आप जागृति ज्यादा होगी। अब देखिए स्थिति कैसी है, भगवान के प्रति आपकी जागृति ज्यादा होगी तो परिवार में अपने आप ज्यादा होगी, चाहे आप कुछ करें चाहे ना करें। कहने का अर्थ क्या कि अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपनी शुद्धि के लिए कार्य कीजिए, अपने भगवान की सेवा कीजिए। परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट है,
कृपया इस रिक्वेस्ट को सबको स्वीकार कर लीजिए। कृपया किसी भी भाव में आकर के घर परिवार को छोड़ दे, त्याग दे, नहीं बात करते, नहीं हम मानते हैं, इस प्रकार से घर परिवार को त्यागिए मत। इस प्रकार से मत त्यागिए। अगर सच में स्थिति है तो आप त्याग सकते हैं, परंतु लोग मूर्खता में सबसे पहले मालूम है क्या होता है, सबसे पहले कष्ट से निवारण चाहिए, उसलिए घर परिवार को त्याग दे। कष्ट से निवारण चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम के कारण नहीं। कहने का अर्थ क्या कि हमको प्रेस्क्राइब ड्यूटी ना करनी पड़ जाए, काम ना करना पड़ जाए, तो हम छोड़ छाड़ के चल देते हैं। है? ये मूर्खता है, ये कृष्णा के कहे आदेशों के ठीक विपरीत। हम मूर्खता में बस इसलिए क्योंकि हमें कष्ट कम मिले, भौतिक कष्टों से संसर्ग ना होए, हम छोड़ छाड़ दे, एकदम गलत बात है। इसलिए कोई ऐसा मत कीजिएगा कि हम छोड़ छाड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको बहुत कष्ट आ रहा है, हमको बहुत कष्ट आ रहा है, हम छोड़ दिए। कारण कभी ये नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्णा, दोनों साइड बता दिया, दोनों एक्सट्रीम बता दिया। एक एक्सट्रीम था किसी को भी परमेश्वर बोल देते हैं, और दूसरा एक्सट्रीम था कि हम छोड़ छाड़ देते हैं, है ना, दोनों एकदम एक्सट्रीम था। कृपया करके उन दोनों एक्सट्रीम में मत रहिए, दोनों ही गलत। हरे कृष्णा, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करिए और कंटिन्यू करते हैं। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट कीजिए, मैं डोर बंद कर दिया, आवाज बहुत आ रही। हरे कृष्णा स्वरूप जी, वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिया निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। तात्पर्य, जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ चुकी है, वे न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं, न अपनी आदतें सुधार सकते हैं। अन्यों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा, वे गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती। जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण या विष्णु है, किंतु जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ी है, वे यह नहीं समझ पाते कि उनका चरम हित कृष्ण भावना अमृत में है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वे सरे आम सड़कों या पार्कों में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, मानो कुत्तों बिल्ली हो, और इसे वे प्रेमालाप कहते हैं। ऐसे अभागे प्राणी कभी संपन्न नहीं हो पाते। कुत्ते बिल्लियों जैसा आचरण उन्हें कुत्ते बिल्ली के पद पर ला देता है। वे अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते, प्रसिद्ध होना तो दूर रहा। ऐसे मूर्ख कभी कभी तथाकथित योग का दिखावा करते हैं, किंतु योग का जो मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय तथा मन को वश में करना, उसमें वे असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में वे अत्यंत अभागे है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा लग रहा है कि इस डिवाइन गॉड श्रील प्रभुपाद अभी जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको लाइव देख रहे हैं, तो देख करके बता रहे हैं, देखो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब बहुत घटिया कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, लोग क्या अपने तृप्ति के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इनफैक्ट प्लीज माफ कीजिए, चीजों को स्पष्ट रूप से रखते हैं तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा, है ना, भोंडा सा लगेगा, परंतु सच सच है, मैं क्या करूं। लोग पाश्चात्य जगत के कपड़े पहनते क्यों? एक बात बताइए, कोई इस भूखंड में जन्म लिया हो,
जिसे हम भारत वर्ष बोलते हैं, है ना भाई। तो अभी आप लोगों को समझ में आता होगा कि मैं ये क्यों बोलता हूँ, जिसे हम लोग भारतवर्ष बोलते हैं, है ना। वहां पढ़ा था ना, कहाँ पे पढ़ा मुकुटमाला स्रोतम में, कहाँ पे, यही पे पढ़ा था, यही पे पढ़ा था। मुकुटमाला नहीं प्रभु जी, मुकुंदमाला स्त्रोत में कि एक्चुअली में पूरा विश्व ही भारतवर्ष, ठीक है, पूरा विश्व जो आप जानते हैं सब कुछ भारतवर्ष ही था। वो काटते 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 अब ये स्थिति, इसीलिए बार बार बोलते हैं जिसे हम भारतवर्ष बोलते, जिसे हम भारत बोलते। तो स्थिति कैसी है कि जिस भूखंड में हम लोग रहते हैं उस भूखंड में अगर कोई पाश्चात्य जगत के कपड़े पहन रहा है उसका क्या क्या अर्थ है? उसका अर्थ मात्र इतना सही है कि वो दिखावा करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है और अपने आप को आकर्षित दिखना या देखना चाहता है। इससे किसका लाभ है? जो अपने आप को बहुत विशिष्ट दिखा रहा है उसका लाभ है क्या? जो देख रहे हैं उसका लाभ है, किसका लाभ है? हरे कृष्ण, किसका लाभ है? किसका लाभ है बताइए? हरे कृष्ण। किसका लाभ है बताइए? सब कुछ आंसर कीजिए, किसका लाभ है? बताइए बताइए, आंसर कीजिए, हमको नहीं समझ आ रहा किसका लाभ है। आप बताइएगा तो हमको समझ आएगा किसका लाभ। हरे कृष्णा, बताइए, ऐसा कार्य का लाभ करने से किसका लाभ है? बताइए जल्दी, इंतजार कर रहा हूं, आंसर आप ही लोगों से आना चाहिए। नहीं आ रहा है, जब तक नहीं है हम नहीं आने वाले। हाँ बोलिए ना, इससे बस माया देवी का लाभ माया देवी यही करना चाहती हैं, मूर्ख बनाना चाहती हैं, और ये माया देवी का कठपुतली बन गया जो तड़क भड़क अपनी खाल दिखाना चाहते हैं, है? उससे क्या हो गया? माया देवी का कार्य सरल हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, अब मॉल में जाइए, आजकल मॉल में बहुत ना दिखे, में जाइए लोग बहुत अनुचित व्यवहार करते हैं ना, शिष्टाचार भूल गए। किसका लाभ कर रहे हैं? एक दूसरे का किसका कर? माया देवी। आजकल छोटे छोटे शहरों में भी होने लग गया है, गली गूचों में भी होने लग गया, क्यों हो रहा है? देखिए समझिए, हमें इंद्रियों को संयमित करना है, लक्ष्य कभी भी
कभी पति पत्नी भी इस प्रकार का व्यवहार करें तो वह अनुचित है। आपको जिस भी प्रकार का व्यवहार करना है आप अपने प्राइवेट स्पेस में अकेले में आप कर सकते हैं, परंतु पब्लिकली इस प्रकार का व्यवहार अनुचित है। ना क्योंकि देखिए क्या होता है, अनुचित क्यों है? बोले कि मेरा जीवन है, हमको जो मर्जी पड़े हम वो करेंगे। देखिए आप जो करें उसके लिए हमको कोई दिक्कत आपसे तो नहीं है, परंतु जो अजामिल कर रहे थे सोच रहे थे कि पल भर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, और उससे क्या हो गया, पूरा उनका जीवन बर्बाद हो गया। अजामिल ने गलती से देखा या फिर अजामिल ने गलती की थी, गलती करके देखा। परंतु यहां पे सब कोई इस प्रकार की स्थिति में डाल दिए जाते हैं कि आप अजामिल बन जाइए। अब देखिए क्या है कि सपोज कीजिए कि रोड पे कोई जा रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि रोड पे जा रहा है तो रोड को नीचे ऐसे कर करके देख देख करके चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या है, अगर सपोज कीजिए इस प्रकार का व्यवहार अगर कोई देखे तो आप समझिए क्या होगा। और ये तो बड़ा कॉमन हो चुका है, होगा क्या, इंद्रियां तड़पेंगी, इंद्रियां जलेंगी, और क्या होगा, और गलत विचार दिमाग में आएंगे। आप समझिए ये विषयी जीवन में रहना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, विषयी जीवन से निकलना हमारे जीवन का लक्ष्य। आप सोच के देखिए कि आप जिस भी प्रकार का व्यवहार देख रहे हो अगल बगल कहीं में कुछ ऐसा ही व्यवहार देखते होंगे, और ऐसे व्यवहार देख करके सब अनुचित ही होगा, सबके लिए अनुचित ही होगा। परंतु हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसी प्रकार का व्यवहार चल रहा है ना, और हम सोचते हैं कि यही सब ठीक है, मॉडर्न है, नया है ना, आजकल ऐसा ही होता है ना। आजकल ऐसा नहीं होता है, हमने अपने संस्कारों को मलिन कर दिया है, हमने सत्य से अपने को, अपने परिवार को, संबंधियों को, सभी परिजन को दूर कर दिया, हमने भगवान से सभी को दूर कर दिया, और इस स्थिति में सब कोई कष्ट झेल रहा है। इसमें अनोखी बात क्या, इस स्थिति में सब कष्ट ही झेलेंगे, झेलना भी चाहिए। संपदा मत कृष्ण प्रभु जी, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र अशांत मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। तात्पर्य, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की संगति पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए सत्य, शौच, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा शम और दम आवश्यक है। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये सारे गुण प्रकट होने चाहिए, किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्री के हाथों में नाचते कुत्ते की तरह हो तो वह प्रगति नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य ने सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों या पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक सुखों भोग में
रुचि रखते हो। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्मघात से भी घातक है। हरे कृष्णा एक्चुअली में ये श्लोक में हमें ये बात समझ में आती है कि हमें वैष्णवों का संग क्यों करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से इसमें वैष्णव लिखा हुआ है, कहाँ से संग लिखा हुआ है, यहाँ पे तो असत संग त्याग लिखा हुआ है ना। हाँ समझ में आ रहा है सभी को, असत संग त्याग, जो सही नहीं है उस संग का त्याग कर, है ना। देखिए होता कैसा है, हम सभी में कुछ ना कुछ मलिनता है। भौतिक जगत में आने के बाद हम सभी में कुछ ना कुछ मलिनता है। अब किसी में ज्यादा है किसी में कम है, परंतु मलिनता तो सब भौतिक जगत में आए ही इसीलिए है, या तो नित्य सिद्ध आए हैं कृष्णा का नाम प्रचार करने, और जो नित्य सिद्ध नहीं आए हैं उनमें मलिनता है। तो स्थिति कैसी है कि मलिन स्थिति में कोई भी अच्छा कार्य हो सकता है क्या? अभी सपोज कीजिए स्थिति मलिन, अब इस मलिन स्थिति में कोई भी अच्छा काम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हम लोग सोचते क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हम भक्ति स्वयं अपने प्रयास से कर लें, हम जीवन स्वयं अपने प्रयास से शुद्ध कर लें। एक्चुअली में ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कोरी कल्पना है। अगर आप आध्यात्मिक हैं, ऑलरेडी आप आध्यात्मिक हैं, तब आप अपने प्रयास से सफल हो सकते हैं, नहीं तो आप अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकते। कोई भी अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकता। अगर आपको सफल होना है तो शुद्ध लोगों की संगति करनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि शुद्ध लोग मिलेंगे कहां? शुद्ध कहां पे मिलेंगे? जो कृष्णा की बातों का पालन कर रहे होंगे वो शुद्ध होंगे। शुद्धता कैसे पता चलेगी? जो कृष्णा की बातों का पालन कर। अब देखिए होता कैसा है कि सपोज कीजिए आपने कोई ना कोई मलिनता है, जैसे एक एग्जांपल, किसी में मलिनता है कि बस एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, कोई अगर जाते हो तो वो अपने आप को बुरा ना जान ले इसी से, है ना, परंतु आपको बस एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए किसी में मलिनता है कि वो हर हफ्ते है ना मॉल में 2 घंटा लगाते हैं, और 2 घंटे लगा करके देखिए 2 स्थिति होती है। एक तो ये स्थिति होगी कि लोगों का भौतिक व्यवहार का वो उपहास करेंगे, भौतिक व्यवहार जो अगर देख लेंगे तो उपहास करेंगे, उसको घृणा करेंगे, बोलेंगे ये क्या मूर्खता है। किसी व्यक्ति विशेष का उपहास नहीं करेंगे, समझिए इस बात, व्यक्ति का उपहास नहीं, उन गुणों का उपहास। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या, या तो उसमें आनंद लेने लग जाएंगे। अब आनंद लेने की स्थिति क्या है, जब तक हम नेगेटिव फील ना करें हम आनंद ही ले रहे हैं। सपोज कीजिए हमने कुछ बुरा ना सोचा ना देखा ना बोला ना बुरा जानते भी नहीं, अगर कोई बुरा काम कर रहा है हम उसको बुरा नहीं जान रहे। अब इसको अगर सरल रूप से समझना है तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, सपोज कीजिए कोई आतंकवादी, और आतंकवादी ने कोई आतंक फैलाया, किसी 100 लोगों को मार दिया, आपने देखा 100 लोगों को मार दिया और देख करके बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगला अगला क्या बात है, ये बात है, उसके बाद देखा अगला क्या बात है, ये बात है, ओके ठीक। तो आपने क्या किया, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ अंदर भी कुछ कुछ फीलिंग नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, समझ रहे। जैसे ही इस प्रकार का व्यवहार हुआ
इसका अर्थ है कि आपने नेगेटिव फील किया। यही नेगेटिव है। अगर हम बुरे के प्रति इंडिफरेंट हो जाए तो ये इंडिफरेंट होना, ये इंडिफरेंट नहीं है, ये नेगेटिव है। ठीक है, भगवत गीता में इंडिफरेंट मतलब संभाव। भगवत गीता में हमें साफ साफ बताया गया है कि हमें संभाव की स्थिति आनी है, संभाव की स्थिति रखनी है। बिल्कुल सही बात है, संभाव की स्थिति रखनी है इस भौतिक जगत से, परंतु इन भौतिक गुणों से नहीं। जो गुण गलत हैं उसको बोलना है, सोचना है, समझना है कि ये गुण गलत है, नहीं तो हम आकृष्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे उन गुणों के प्रति। अभी सपोज कीजिए कुछ बुरा हो रहा है, आप बुरा मान नहीं रहे, तो आपके लिए क्या हो गया? अरे सब ठीक है, जो होता है सही होता है। इनफैक्ट इस संदर्भ में एक श्लोक एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम, है ना, रुकिए कोशिश करता हूँ आपको वो बताने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फोर्थ कैंटो, अगली बार हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ये है 4.11.20, फोर्थ कैंटो 11वां अध्याय और 20वां श्लोक। यद्यपि भगवान समस्त कारणों के कारण है, किंतु किसी के भौतिक सुख या दुख के लिए जिम्मेदार नहीं रहते। परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते। अल्पज्ञानी परमेश्वर पे दोष लगाता है कि वह पक्षपात करते हैं, जिससे कुछ लोग इस भौतिक जगत में सुख भोगते हैं और कुछ कष्ट उठाते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान पक्षपाती, भौतिक जगत वाले इस प्रकार से सोचते। किंतु इस श्लोक से स्पष्ट है कि परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते। हाँ, जीवात्माएं स्वतंत्र है, जो ही वे अपने परम नियंता के स्वतंत्र घोषित कर देता है तो ही वे इस संसार से अपना भाग्य अजमाने के लिए छोड़ दी जाती है। देखिए, हम सभी को स्वतंत्रता है, परंतु हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके कोई कार्य करना चाहेंगे तो भौतिक जगत में छोड़ दिए। जब यह जगत ऐसी पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया जाता है तो वे अपने अपने कर्म उत्पन्न करती है और काल के अभाव काल का लाभ उठाकर अपने भाग्य या दुर्भाग्य बनाती है। प्रत्येक प्राणी उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और अंत में मारा जाता है। जहां तक इन तीनों बातों का संबंध है, ईश्वर सभी पर संभाव रखते हैं। अपने अपने कर्म अनुसार ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। जीवात्मा का उच्च या निम्न पद तथा उसके सुख तथा दुख उसके अपने कर्मों के फल स्वरूप होते हैं। इस प्रसंग में अनिशा शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अपने अपने कर्मों पर निर्भर। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सरकार हर नागरिक को सरकारी कार्य तथा प्रबंध के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, किंतु मनुष्य अपनी इच्छा से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे वह विभिन्न प्रकार की चेतनाओं में रहने के लिए बाध्य हो जाता है। इस श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि जब वायु बहती है तो धूल के कण वायु में तैरते रहते हैं, क्रमशः बिजली चमकती है और घनघोर वर्षा होती है, और इस प्रकार वर्षा ऋतु के कारण जंगल में विविधता उत्पन्न होती है। ईश्वर अत्यंत दयालु है, वे सभी पर समान अवसर प्रदान करते हैं, किंतु मनुष्य अपने कर्म फल के अनुसार इस भौतिक जगत में सुख या दुख भोगता है। अपने कर्म के फल अनुसार
अब देखिए क्या ऐसा होता है कि हम लोग असत संग न जानते हुए करने लग जाते हैं। देखिए असलियत बता रहा हूं, फिर से सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, ऑल्दो इतना कड़वा भी नहीं लगेगा, परंतु ठीक है। स्थिति ये है, जब तक आप नित्य सिद्ध नहीं है ना, जब तक आप नित्य सिद्ध नहीं है, आप भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं। लिखिए, जब तक मैं नित्य सिद्ध नहीं हूं, मैं भौतिक कार्यकलाप कर रहा हूं। अब देखिए कैसा होता है कि बहुत बार हम भौतिक कार्यकलाप करते रहते हैं, हमको समझ भी नहीं आता। अब आपसे पूछा जाए, सपोज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 24 घंटे में आपने कौन कौन भौतिक कार्य किया? आप हो सकता है 2 बता दें, 5 बता दें, 10 बता दें, परंतु एक सच बात बताइए, आपने 20 बता दिया, 20 बता दिया, ठीक है, पिछले 24 घंटे में 20 भौतिक कार्य किया, बहुत अच्छा, सच बताइए। अगर आपने जितना भी नंबर बता दिया, उसके आगे और पीछे कोई नहीं होगा ना, मतलब 20, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, नहीं होगा ना? हाँ, चलिए अब एक प्रश्न पूछ लेते हैं। जितना भी अनुमान लगा लें हम अपने भौतिक कर्मों का, उससे ज्यादा भौतिक कर्म कर रहे हैं, हाँ या ना, वाई या नो, वाई या एन, जितना भी अनुमान लगा लें, हम अनुमान लगा ले 10 की होंगे, पिछले 24 घंटे में 10 की होंगे, उससे ज्यादा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ये देखिए, ये अनुभव की बातें हैं, है ना, इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं दे सकते, परंतु ये बात बिल्कुल सच है। आप जितना भी अनुमान लगा लें, जो भी कल्पना कर लें, जिस भी प्रकार से कल्पना कर लें, आप जितना भौतिक कर्म बताइएगा, उससे ज्यादा ही भौतिक कर्म की जरूरत क्या है कि हम भौतिकता में लिप्त ना रहे, है? भौतिक कर्म को त्यागें। कैसे त्यागेंगे? असत संग त्याग तो करना ही है, परंतु कैसे करेंगे? सत संग करेंगे तब असत संग छूटेगा। अच्छों का संग करेंगे तब बुरों का संग छूटेगा, नहीं तो बुरों का संग नहीं छूटेगा, ठीक है? तो कृपया करके इस प्रकार का व्यवहार से बचें। और उचित व्यवहार करें। ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों से भी बचें, हर स्थिति में ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों से। हरे कृष्ण। किन्हीं का हैंड रेज नहीं है? बस संपदा माता जी। ओके, संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। तात्पर्य, स्त्रियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य न केवल स्त्री की संगति से भौतिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने वाले पुरुषों की संगति से भी हो जाता है। हमारे बद्ध जीवन के अनेक कारण हैं, किंतु इनमें सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों की संगति, जिसकी पुष्टि अगले श्लोकों में हुई है। कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल है, जीवन के पग पग पर स्त्रियों से पाला पड़ता है। यदि किसी को कुछ खरीदना है तो सारे विज्ञापन स्त्रियों के चरित्रों से भरे रहते हैं। स्त्रियों के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण अत्यधिक होता है, अतः लोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यंत लापरवाह है। चूंकि वैदिक सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, अतः स्त्रियों की संगति की व्यवस्था सतर्कता पूर्वक की गई है। 4 सामाजिक विभागों आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचर्य, तृतीय वानप्रस्थ तथा चतुर्थ आश्रम संन्यास में स्त्री संगति नितांत वर्जित है। केवल गृहस्थ आश्रम में सीमित प्रतिबंधों के अंतर्गत स्त्रियों से मिलने जुलने की छूट प्राप्त है।
दूसरे शब्दों में स्त्री संगति का आकर्षण ही बद्ध जीवन का कारण है, और जो भी इस बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहता है उसे स्त्रियों की संगति से अपने को विलग कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए ये बड़ा कष्टदायक है, स्त्रियों से दूर हो जाना। स्त्री के अनटचेबल है, स्त्री के इस प्रकार की हैं कि उनका संग करेंगे तो हम दूषित हो जाएंगे। तो स्त्री शुद्ध नहीं हो सकती। शास्त्रों में हमेशा वर्णन होता है कि स्त्री संग त्याग करें तो हम शुद्ध होंगे। यहाँ पे भी दिया हुआ है, चार आश्रमों में तीन आश्रम में तो स्त्री संग को वर्जित। हम देखते भी हैं स्त्री भौतिक जगत में वस्तु के समान प्रस्तुत की जाती है, एकदम घृणित, परंतु किया जाता। देखिए पहले एक हायर प्रिंसिपल बता देते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है? हायर प्रिंसिपल पहले बता देते हैं ना, इस बात को समझ लीजिए। देखिए असलियत तो यह है, स्त्रियों को भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों का भी संग नहीं करना चाहिए। पुरुषों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। परंतु ये स्त्री और पुरुष मात्र तब तक है जब तक भौतिक संदर्भ है। संदर्भ अगर आध्यात्मिक है तो स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं, क्योंकि हम उन्हें आत्मा देखते हैं, हम उन्हें स्त्री देखते ही नहीं, हम उन्हें यंत्र देखते हैं जो कृष्णा तक ले जाए। एक भक्त कौन है? हर एक भक्त एक कृपालु यंत्र है जो कृष्णा तक ले जाता। अभी हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, वैष्णवों से कृपा चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वो कृपा करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, परंतु अगर वो कृपा नहीं करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो स्त्री क्या है? स्त्री ऐसे तो घृणित है, ऐसे तो घृणित है, परंतु अगर स्त्री शुद्ध भक्त हो तो घृणित है। स्त्री संग तो घृणित है क्या? अगर स्त्री शुद्ध भक्त हो तो अगर भक्त है तो घृणा किस बात का है ना? तो हमें हर किसी का तो संग नहीं करना है, परंतु अगर शुद्ध भक्त हैं तो हम बिल्कुल संग कर सकते हैं ना? तो हम लोगों को भक्तों का संग करना है। फिर से वापस से वही प्रिंसिपल, हम लोगों को भक्तों का संग करना है, भक्तों से कृपा याचना करनी है। क्या
कि हम भक्ति में लग जाए। इसलिए कृपा याचना करनी है कि हमें धन मिल जाए, बल मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, हमारे वैभव से सब प्रसन्न हो जाए, हम प्रसन्न हो जाए, है दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, इसलिए ताकि हम कृष्णा भक्ति में लगे। एक्चुअली में आप देखें तो हम कभी भी भगवत भक्तों का संग करेंगे तो होगा क्या, हमारी चेतना शुद्ध होगी। अगर स्त्री भगवत भक्त है, देखिए बस बोलने के लिए नहीं, हर किसी को बोल दिए भगवत भक्त है, भगवत भक्त है, नहीं है, भगवान का सब नाम ले रहे हैं तो सभी भक्त है, बिल्कुल कभी भी हम शुद्ध भक्तों का संग करें तो संग करके क्या मिलता है, संग करके उनकी वाणी से, उनके हृदय से, हमारे हृदय में कृष्णा आते हैं, तो स्त्री का भी संग इसलिए कर सकते हैं, परंतु वो शारीरिक संग नहीं, शरीर के रूप में किसी को देखते हो तो कृपया संग ना करें। हमारे जीवन का लक्ष्य मात्र इतना होना चाहिए कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस शरीर का इस्तेमाल करके, इस चेतना का इस्तेमाल करके, कृष्णा के लिए इस्तेमाल करके हम शुद्ध हो सकें। हमको इसका इस्तेमाल कृष्णा की सेवा में ही करना चाहिए, और जब हम कृष्णा की सेवा में इसका इस्तेमाल कर लें, कृष्णा द्वारा प्रदत्त शरीर का इस्तेमाल कृष्णा की सेवा में कर लें, तो हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो स्त्रियों का संग देखिए क्या है, सपोज कीजिए आप मंदिर जा रहे हैं या फिर भक्तों से मिल रहे हैं, बहुत सारी माताएं मैसेज करती है, आज ही कोई डिवोटी मैसेज की, अब वो चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बहुत बड़ी, सब माताएं, यकीन मानिए मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आज्ञा पालन से जो भी कार्य करेंगे वो सफल हो जाएंगे। अब क्या करें, उन स्त्री को बोले कि नहीं नहीं आप मेरे को मैसेज मत कीजिए क्योंकि हम पुरुष, एकदम गलत, अगर आप भक्त हैं बिल्कुल मैसेज कीजिए, आप कष्ट में हैं बिल्कुल आज्ञा पाइए और आज्ञा पाकर के कार्य कीजिए और सफल होइए, बाकी सारी चीजें बाद में देख लेंगे। समझिए बाकी सारी चीजें एकदम गौण है, एकदम छोटी है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए वो श्लोक के बारे में जो हम लोग जान रहे थे अभी दो तीन दिन पहले कभी पढ़े थे, एक शुद्ध भक्त को उनके गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, है कहां पे पढ़े थे, डिवोटीज प्लीज बताइए, मत याद नहीं, गुरु ने मंत्र दे दिया, इस मंत्र को अगर किसी को बताइएगा नहीं, सीक्रेट मंत्र बताइएगा तो मंत्र का प्रभाव कम हो जाएगा, और उस भक्त ने क्या किया, उस भक्त ने चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से सभी को बता दिया। समझिए इस बात को कि हमारा हित हो रहा है, हित हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, भगवान का हित होना चाहिए, गुरु का हित होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। गुरु का हित हो रहा है तो हमारा हित, अगर भगवान का हित हो रहा है तो हमारा हित, बाकी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो स्त्री हो या पुरुष, जो भी भौतिक है उसका संग हमको असत संग त्यागना है, है ना। आप समझिए अगर स्त्री है, है? मान लिया स्त्री है, चलिए बहुत अच्छी बात है, स्त्री है और स्त्री है वो हमको भगवत भक्ति में आगे बढ़ा दे,
हम क्या संग उनका त्यागेंगे? और वही स्त्री है, न्यूज़पेपर आर्टिकल में आ रहा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, फोटो आता है, वीडियो आता है, टीवी चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, कहीं पे भी दिख जाते हैं। वस्तु वस्तु के समान प्रचार हो रहा है। तो हमें उसको भी त्यागना होगा कि नहीं त्यागना होगा? जहां पे भी स्त्री को वस्तु समान प्रस्तुत किया जा रहा है, हमको संग त्यागना। देखिए मेरी एक स्वाभाविक स्थिति है क्या, कि मेरी आंखों में दर्द होता है, आप लोग जानते हैं। जनरली क्या होता है, कभी कोई वीडियो देख रहा है, कुछ देख रहे हैं, तो वीडियो चल रहा है, सुनते हैं, बीच बीच में देख लिया देख लिया देख लिया, अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कुछ देख भी रहे हैं, भौतिक भौतिक कुछ कुछ देखना, न्यूज देखना, कुछ देखना, बहुत सारी चीजें होती है जो देखने की, हमको अपना कार्य के लिए, निर्धारित कर्तव्य के लिए भी हमको करना देखना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो देखते कैसे हैं, देख रहे हैं, देख रहा हूं, चल रहा है, उसको चलने दो। आप समझिए भौतिक जगत में जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, उसमें से निचोड़ने का कोशिश कीजिए, हम कृष्णा के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। अच्छा है बुरा है उसको दे रहने दीजिए, आप अभी उसमें दिमाग मत लगाइए, आप उसमें से निकालने का कोशिश कीजिए, इसको कृष्णा के लिए लगा सकते हैं, उसको खींचिए कृष्णा के लिए इस्तेमाल कीजिए, इसको खींचिए कृष्णा के लिए इस्तेमाल। भक्तों का कार्य यही, सब कुछ को कृष्णा के लिए इस्तेमाल कर देना है। कल परसों भक्तों का वीडियो देख रहे थे, भक्तों द्वारा वीडियो, और वीडियो में वो भौतिकवादी लोगों की बातें कर रहे थे, परंतु वो वीडियो से वो कृष्णा नाम का प्रचार कर रहे। आप समझिए प्रचार किसका हो रहा है, भौतिकवादी का प्रचार किसका हो रहा है? अगर कोई अभक्त का भी नाम ले लें परंतु प्रचार कृष्णा होगा, वो बिल्कुल करेंगे, लक्ष्य कृष्णा है, इस बात को जान लिए, अगर ये जान लिए तो जीवन सफल है, लक्ष्य कृष्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम। और पायल माता जी और हर्षित प्रभु जी ने दोनों ने किया था, खुशी माता जी ने रीड किया, ऋचा माता जी ने कुछ नहीं किया अभी, विपुल प्रभु जी ने भी नहीं किया ना, नहीं प्रेयर किया था, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री का ज्वाइन करने के। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। बाय द वे आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा है मेरे को, है ना, तो थोड़ा सा मैं जल्दी स्क्रीन ऑफ कर दूंगा, मतलब मेरे लिए। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, पहले सबको जिज्ञासा पूछ रहे, जल्दी से जो भी जिज्ञासा रहे जल्दी से पूछे, पूछते जाए जितनी जिज्ञासा। थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा ज्यादा देर। बोलिए किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा पूछिए। वैसे तो मेरी आंखें हमेशा ही स्क्रीन नहीं देखती है, कभी कभी स्क्रीन पे आंखें फिक्स रहती है, परंतु आज तो देख रहा हूँ पूरा इधर उधर ही देख रहा हूँ। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है पूछे पूछे, जिज्ञासा पूछते समय से नहीं करता, मेरा नहीं करता, आंसर करते हुए नहीं करता, पूछिए। कोई भी डाउट होता पूछा कीजिए, जरा सा भी जिज्ञासा होता पूछा कीजिए, सारी बातें समझ में आनी चाहिए, कुछ नहीं समझ आया तो पूछिए। एक बात और भी है, देखिए इस भौतिक जगत में आने के बाद अब जिस प्रकार की स्थिति है ना, जिस प्रकार की स्थिति है, यहाँ पे रहते हुए स्त्री संग त्यागना बड़ा मुश्किल बात है, असंभव सी बात है। देखिए एक स्थिति में कर सकते हैं कि हम बोले कि हम तो है ना, हम मंदिर में चले जाएंगे, हम मंदिर में चले जाएंगे, मंदिर में स्त्री संग नहीं होगा, परंतु आपका लक्ष्य मंदिर में जाना है क्या? आपका लक्ष्य मंदिर में ही कार्य करना है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस दिवन कृष्ण प्रपाद ने ऐसा नहीं बोला, हमारा लक्ष्य नाम प्रचार करना, दास का लक्ष्य स्वामी की सेवा करना है, हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाग जाएं, हम चीजों को छोड़ करके भाग जाएं, नहीं हो सकता। अगर कोई इस प्रकार स्त्री संग छोड़ने के लिए मंदिर में चले जाए या मंदिर में ही रहने का कोशिश करे, ये ठीक है, सबकी चेतना अलग अलग है, इसलिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, परंतु शुद्ध अवस्था तो नहीं है। शुद्ध अवस्था के लिए तो हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे, कृष्णा के नाम प्रचार। आजकल लोग ये बात भूलते जा रहे हैं, क्या लक्ष्य कृष्णा का नाम प्रचार है, लक्ष्य कृष्णा का नाम प्रचार, उसके लिए हमें कष्ट भी सहना पड़ेगा, तो क्यों नहीं सहेंगे? बिल्कुल सही। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बोलते हैं क्या आप माता हैं, आपको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी पुरुष आ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी रुकिए रुकिए, आपको ऐसे कर देंगे, कोई माता दिखती है, कोई पुरुष दिखते हैं, कोई भी दिख रहे हैं, सभी को बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्त्री संग त्यागना लक्ष्य नहीं हो सकता, असत संग त्यागना लक्ष्य नहीं हो सकता, लक्ष्य ये है, असत संग त्यागना तो है, असत संग को त्यागना है, परंतु किस लिए? सत का संग करना है, सत संग करना, इसलिए। हम चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के पद चिन्हों पर चलने वाले, और कृष्णा का नाम प्रचार करने के लिए हमें जो भी कष्ट सहना पड़ेगा हम सहेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्लियर है ना? यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पूछे पूछे पूछे, नहीं जिज्ञासा है तो फिर एंड कर सकते,
मतलब लाइव रोक देंगे या फिर कीर्तन सुनेंगे। नहीं है कोई जिज्ञासा, लाइव रोक सकते हैं। हरे कृष्ण, लाइव रोक रहे हैं, कीर्तन सुनते हैं। मैं भी कीर्तन सुनता हूँ, आप लोग।